हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं डी एंड एफ पोक एलिमेंट्स की। लास्ट वीडियो तक आपको कराया था, उसमें मैंने आयनाइजेशन एंथैल्पी तक समझा दिया था आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेटालिक कैरेक्टर पढ़ेंगे आज की वीडियो में, और कंटिन्यू कर रहे हैं पिछली वीडियो को। सेकेंड वीडियो है ये डी एंड एफ ब्लॉक की। फर्स्ट वीडियो समझ में आई हो तो कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में से। क्या कह रहे हैं मेटालिक कैरेक्टर में? ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स सबको पता होगा जिसने फर्स्ट वीडियो देखी होगी, मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे हैं नेचर में? मेटालिक है नेचर में। दे शू ग्रेजुअल डिक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सीरीज। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में ग्रेजुअल डिक्रीज देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में डिक्रीज होने का मतलब क्या होता है सब जानते होंगे। हम लोग यहाँ पे बात करें इस तरफ में, लेफ्ट में पीरियोडिक टेबल के, तो एलिमेंट्स कैसे होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। और मैं राइट में पहुंच जाता हूँ पीरियोडिक टेबल के, तो एलिमेंट्स कैसे होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। यानी कि मैं इस तरीके से लेफ्ट टू राइट जाता हूँ तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घटता जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर घट रहा है, इसका मतलब टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस। टेंडेंसी टू लूज एन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस का मतलब क्या कह सकते हो आप लोग? कि मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता चला जाएगा जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं। और ये सबको पता होगा मेटेलिक कैरेक्टर क्यों डिक्रीज हो सकता है, क्यों डिक्रीज होता है। आप इसे किससे रिलेट कर सकते हो? एटॉमिक साइज से रिलेट कर सकते हो। एटॉमिक साइज छोटा होता चला जाता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज घटेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर पाना मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा जो एलिमेंट, वो मेटल कैसे कहलाएगा? अब कौन से एलिमेंट मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर सकें? तो लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी घट जाती है। इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी घटेगी तो मेटेलिक कैरेक्टर भी घटेगा। ठीक है, यही सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। द मेटेलिक बॉन्ड इन द ट्रांजिशन सीरीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो मेटेलिक बॉन्ड होते हैं इनके बीच में वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है और लार्ज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलते हैं हमें। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि ट्रांजिशन मेटल, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑलमोस्ट सारे ही मेटल होते हैं, ठीक है, और इनका जो मेटेलिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होगा। क्यों होगा? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसा है? ग्रेटर है। ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफर्ड बाय डी सबशेल। नियरली ऑल द ट्रांजिशन मेटल आर हार्ड एंड पजेस हाई डेंसिटी एंड हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सारे ट्रांजिशन मेटल हार्ड हैं, उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और एटोमाइजेशन की एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है। मतलब क्या एंथैल्पी एटोमाइजेशन की बहुत ज़्यादा है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आपको मॉलिक्यूल से तोड़ के एटम्स बनाने हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एंथैल्पी लगानी पड़ेगी, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जो उनके बीच में अभी हमने बताया कि जो बॉन्ड बनते हैं मेटेलिक बॉन्ड, वो कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए ज़्यादा एंथैल्पी लगानी पड़ेगी एटम में कन्वर्ट करने के लिए, उसे तो हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बोल दिया। दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स। रीजन लिख भी दिया यहाँ पे, ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके पास में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट जो हम कवर अप करेंगे अब क्या, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, ऑल अदर ट्रांजिशन एलिमेंट हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिंक, कैडमियम और मर्करी को छोड़ दें। जिंक, कैडमियम और मर्करी हैं क्या? ये एलिमेंट्स 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के लास्ट वाले एलिमेंट्स हैं ये। तो बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा, वो हाई होता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनके बीच में कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। अभी ऊपर बताया हमने स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको टेम्परेचर ज़्यादा तक ले जाना पड़ेगा जब ये बॉन्ड टूटेंगे, यानी कि जब ये सब्सटेंस बॉइल हो पाएंगे। एंड प्रेजेंस ऑफ पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल इन इट, बिकॉज ऑफ दिस हाफ फिल्ड ऑर्बिटल सम कोवेलेंट बॉन्ड ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द एटम्स ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। ये एक बात और आप याद रखेंगे। एक तो रीज़न मैंने बता दिया कि हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों है इनका, क्यों? क्योंकि इनके पास में मेटेलिक बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है नेचर में, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा जब ये बॉइल होंगे। दूसरा रीज़न क्या है इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का, कि इनके पास में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं। अगर डी ऑर्बिटल्स किसी भी एटम के पास में पार्शियली फिल्ड होती हैं तो वो कुछ हद तक क्या कर सकता है, उन जो खाली ऑर्बिटल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन किसी के लेके पेयरिंग कर सकता है। और कैसे बॉन्ड बना सकता है? इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, मतलब उसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और उसके अपना वो इसके साथ शेयर कर लेगा, तो कैसे बॉन्ड बना लेता है? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। यानी कि जब तक डी ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, मतलब उसके पास में पेयरिंग शुरू नहीं हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, अभी तक इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे, तो वो किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेके पेयरिंग कर सकता है और कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। और हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो सम कोवेलेंट बॉन्ड ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द एटम द ट्रांजिशन एलिमेंट। एज जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करें, जिंक, कैडमियम और मरकरी की बात करते हैं हम, तो इनके पास में फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, इसलिए कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बना सकते। ये कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे तो इसलिए इनके बीच का इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है? लो रहता है। तो अगर आपसे कोई रीज़न पूछता है कि भाई जिंक, कैडमियम और मरकरी का
जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है, जबकि बाकी 3D सीरीज 4D सीरीज किसी भी एलिमेंट को कंपेयर करें तो उनका हाई होता है। रीज़न बताइए क्यों। तो आप रीज़न क्या बता सकते हो कि जिंक कैडमियम और मरकरी के पास में फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी वजह से वो कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं कर सकते। कोवेलेंट बॉन्डिंग ना दिखाने की वजह से वो आसानी से बॉयल अप हो जाते हैं या कम टेम्परेचर पे भी बॉयल अप हो जाते हैं। ये रीज़न है उनका लो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होने का। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ऊपर दो रीज़न बताए कि स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, और जिंक कैडमियम और मरकरी स्ट्रॉन्ग अच्छे मेटल भी नहीं है, वो ऊपर हमने देखा था मेटेलिक कैरेक्टर में। तो स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड है एक रीज़न, और दूसरा रीज़न क्या है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल जिनके पास में होती हैं वो कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखाते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बीइंग स्ट्रॉन्ग, उसे भी हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे उस एलिमेंट को या उस मॉलिक्यूल को जो कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखा रहा है, तो ही वो बॉन्ड टूटेगा। जिंक कैडमियम और मरकरी नहीं दिखाते कोवेलेंट बॉन्डिंग, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो है। इन मूविंग अक्रॉस लेफ्ट टू राइट द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट फर्स्ट इंक्रीज टू अ मैक्सिमम एंड डिक्रीज देन डिक्रीज टूवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड। क्या बोला गया है कि जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले तो ये इंक्रीज होता रहता है, मैक्सिमम हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, और फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है आगे की तरफ। रीज़न अभी मैं ऊपर आपको जो बता के आया हूँ कोवेलेंट बॉन्डिंग, आप उसी तरीके से समझ सकते हैं। जब तक मेरे पास में पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स थी, मतलब अभी तक मेरे पास में पेयरिंग शुरू नहीं हुई थी, 3D5 तक की बात कर रहा हूँ मैं कन्फिग्रेशन के, तो जब तक मेरे पास में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू नहीं हुई है, मैं क्या कर सकता है, वो एलिमेंट किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेके पेयरिंग करके उसके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बना सकता है। लेकिन जैसे ही हम 25-26 से आगे बढ़ना शुरू होंगे, 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो जाती है, वो किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अब पेयरिंग नहीं कर सकता, क्योंकि पेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है उसी के इलेक्ट्रॉन से, तो वो कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं बना सकता। बात समझ रहे हो, मैं ये कहाँ तक की बात कर रहा हूँ, 25 तक की बात कर रहा हूँ, 26 तक की, 25-26 तक की। कल टेबल दिखाया था पिछली वीडियो में, उसमें बताया था 3D5 4S2, यहाँ तक के कन्फिग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ तक के कन्फिग्रेशन तक तो क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू नहीं हुई है अभी तक। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू नहीं हुई है तो इसका मतलब कि अभी ये किसी दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेके पेयर बना सकता है और कोवेलेंट बॉन्डिंग दिखा सकता है, और कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज होता रहेगा अप टिल 3D5। लेकिन जब मिडल ऑफ दैट सीरीज से आगे की तरफ आप बढ़ोगे, 3D सबशेल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग शुरू हो जाएगी। किसके इलेक्ट्रॉन, खुद के इलेक्ट्रॉन से उसी एलिमेंट के, तो वो दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन लेके पेयरिंग नहीं कर पाएगा। पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा। कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये रीज़न है कि शुरू से लेके बीच तक तो इंक्रीज होता है और फिर बीच से आगे चलते हैं तो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। वो रीज़न यहाँ पर लिखवाया भी है मैंने, एज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज द टेंडेंसी टू फॉर्म मेटेलिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड डिक्रीजेज इन फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज एंड हेंस द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। वही सेम रीज़न है कि इधर से उधर जा रहे हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका जो नंबर है वो कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि मेटेलिक के जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड द लास्ट मेंबर ऑफ द सीरीज एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एज N-1d एंड NS ऑर्बिटल हैव कंपेरेबल एनर्जी। इसने बोला कि किसको छोड़ दो, या तो पहले मेंबर को छोड़ दो और लास्ट मेंबर को छोड़ दो, लास्ट मेंबर ऑफ द सीरीज को छोड़ दो, तो बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं सीरीज में वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं मतलब बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि N-1d ऑर्बिटल और NS ऑर्बिटल की जो एनर्जीज होती हैं वो कंपेरेबल होती हैं। इलेक्ट्रॉन जंप करके एक्साइट करके इधर उधर जा सकते हैं, मतलब ऐसे देखा है हमने कन्फिग्रेशन में, कल देखा था कि 4s से इलेक्ट्रॉन 3d में भी आ जा रहे थे, हम 3d5 4s1 कर दे रहे थे, देखा था ना, 3d3 4s2 के बाद में 3d5 4s1 कन्फिग्रेशन हो जा रही थी क्रोमियम की, कल के टेबल में देखा होगा इसने, कल की वीडियो देखी थी। तो अब बाकी आप ये समझने के लिए टेबल खोल सकते हो अपनी बुक में, वही कल वाला, और वहाँ से चीज़ें समझ सकते हैं कन्फिग्रेशन देख के। सो दे बोथ कैन एंटर इन टू केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, तो दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 3D वाले और 4S वाले, वो दोनों केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में एंटर कर सकते हैं। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इंक्रीजेज फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज एंड देन डिक्रीजेज। क्या कह रहा है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज दिखाती है वो स्कैंडियम से लेकर मैंगनीज तक तो इंक्रीज होता है, मैंगनीज का नंबर 25 तक तो इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। आगे क्या होता जा रहा है, अब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो गई तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन दिखाने की टेंडेंसी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाने की टेंडेंसी मैंगनीज से आगे घटती चली जाएगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग शुरू हो गई है।
मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो फर्स्ट सीरीज दिखाती है वो +3 है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बात करें पूरे डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो ऑस्मियम और रुबीडियम ये दो एलिमेंट्स हैं जो कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +8 दिखाते हैं। इससे ज़्यादा कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट में। द कंपाउंड ऑफ द एलिमेंट इन लोअर ट्रांजिशन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +2 एंड +3 आर मोस्टली आयनिक एंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर कोवेलेंट। ये बात आपको याद रखनी है, आगे भी यूज होगी और क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे बेस्ड। आपको कंपाउंड दिया होगा और आपसे पूछेगा कि ये कंपाउंड कोवेलेंट है या फिर ये कंपाउंड आयनिक है। कैसे करोगे, जो आपके पास सेंट्रल मेटल एटम है आप उसका क्या कर लोगे, यानी कि जो जिससे भी बॉन्ड जुड़े हुए हैं और जो भी मेटल है आपके पास में, जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, उसका आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम आता है +2 +3 इस तरीके का कुछ आ रहा है तो वो कंपाउंड आयनिक होगा। अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5 +6 +7 ऐसे करके आ रहा है, मतलब वैल्यू हायर आ रही है, तो वो कोवेलेंट हो जाएगा नेचर में। जैसे ZnCl2 CdCl2, इसमें अगर आप निकालोगे Zn का +2 आएगा, Cd का भी +2 आएगा, तो ये कैसे हैं, ये आयनिक है। Cr2O7 नेगेटिव MnO4 नेगेटिव ये कैसे हैं, ये कोवेलेंट है नेचर में। क्यों, 7 × 2 = 14 -2 = 12, तो यहाँ पे क्रोमियम का कितना जाएगा +6 आ जाएगा, और यहाँ पे करोगे क्रोमियम का कितना जाएगा 4 × 2 = 8 और -1 = 7, तो यहाँ पे Mn का +7 आ जाएगा। तो देखो +6 और +7 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अगर ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट है किसी कंपाउंड के अंदर तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, कोवेलेंट इन नेचर। अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है +1 + 2 + 3 इस तरीके का कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो कंपाउंड आयनिक हो जाएगा। इस बात को अंडरलाइन कर लेना और इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, यहाँ पे MCQ बन सकता है 1 मार्क्स के सेक्शन में यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो समझ लेते हैं पहले एक बार। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था तो शायद आपको याद भी हो कुछ। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप्ड ऑन अ मेटल इलेक्ट्रोड व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयन टेकिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रोड्स। बोला हमने कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस मेटल इलेक्ट्रोड का जब हमने उसे सॉल्यूशन में इमर्स करा। सॉल्यूशन में इमर्स करा का मतलब क्या है, मैंने दो इलेक्ट्रोड लिए, सपोज करो वो इलेक्ट्रोड किसके बने हुए थे, कॉपर के बने हुए थे, किसी के भी बने हुए थे, वो इलेक्ट्रोड मैंने इमर्स कर दिए किसके अंदर, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो देखा है आपने क्या होता है कि जो आयन्स होते हैं वो उसमें भी डिजॉल्व होते हैं और कुछ आयन जो है वो एनोड पे जाके इकट्ठे होते रहते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब एक तरफ से निकलना, जैसे जिंक का क्या उसकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन पड़ी थी, Zn2+ CuCu2+ Zn, इस तरीके की रिएक्शन है। तो जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, मतलब जितने जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है उतने कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लगेगा, उस टाइम पे जो भी दो आपने इलेक्ट्रोड इमर्स करे हैं इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उनका इलेक्ट्रोड नाप लो, उस इलेक्ट्रोड को हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देंगे, ठीक है। तो देर इज इररेगुलर वेरिएशन इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ड्यू टू इररेगुलर वेरिएशन इन आयनेशन एंथैल्पी सब्लिमेशन एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन। यहाँ पे इररेगुलर वेरिएशन होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर देखने के लिए, क्योंकि इररेगुलर वेरिएशन देखने के लिए मिलता है आयनेशन एंथैल्पी में, सब्लिमेशन एनर्जी में और एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन में। आपको करना क्या है कि सब्लिमेशन एनर्जी क्या होती है ये ढूंढ के आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना है, एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है ये आपको वीडियो के नीचे कमेंट करना। तो जो कमेंट करेगा वो उससे मैं समझूंगा कि हाँ उसने वीडियो देखी है, समझी है सही तरीके से। जिसका कमेंट नहीं आएगा वीडियो के नीचे दैट मीन्स उसने वीडियो नहीं देखी है। तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। इट्स वैल्यू डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द सीरीज। उसकी वैल्यू डिक्रीज होती चली जाती है लेफ्ट से राइट में जाते हैं सीरीज में। तो Mn, Ni एंड Zn इनकी जो है वो हायर वैल्यूज होती हैं देन एक्सपेक्टेड। क्यों, क्योंकि इनके पास में हाफ फिल्ड या फिर कम्प्लीटली फिल्ड डी और थ्री डी ऑर्बिटल्स हैं। तो इसके पास में हाफ फिल्ड या कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होंगी, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू दोज एलिमेंट्स विच हैव पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई है इतनी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल की। ज़्यादा हाई तौबा मचाने की जरूरत नहीं है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल में, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस पर क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा बनते नहीं हैं। और ये जो PDF जो WhatsApp पे दी जाएगी उसमें पासवर्ड है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल है वो। तो पासवर्ड क्यों लगाता हूँ मैं, उसका रीज़न ये है कि कुछ बच्चे सिर्फ PDF में से कॉपी कर रहे, वीडियो देखते नहीं, समझते नहीं। तो आप PDF में से बाद में कॉपी कर पाओगे, पहले आपको वीडियो देखनी पड़ेगी PDF को ओपन करने के लिए। तो PDF का पासवर्ड है ZeroTwo, क्यों, क्योंकि ये 02 करके वीडियो है DNF ब्लॉक की, तो 02 है विदाउट एनी स्पेस और विदाउट एनी कैपिटल लेटर, सब स्मॉल में है, बिना स्पेस के ZeroTwo लिख दीजिएगा, PDF खुल जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में क्या है, सब्सटेंस कंटेनिंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर सेट टू बी पैरामैग्नेटिक।
सबने देखा ही है कि वो कोई भी सब्सटेंस जिसके पास में एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो सब्सटेंस कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होंगे, वो सब्सटेंस जिसके पास में एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। एक्सेप्ट द आयन्स ऑफ डी जीरो, डी जीरो कन्फिग्रेशन में कौन कौन आयन आ जाएंगे, स्कैंडियम आ जाएगा प्लस थ्री का, टाइटेनियम प्लस फोर का आ जाएगा, या डी टेन वाले जिसमें कॉपर पॉजिटिव जिंक पे दो पॉजिटिव चार्ज वाले आएंगे। इन एलिमेंट्स को छोड़ दो, इन आयन्स को छोड़ दो आप, तो बाकी जितने भी आयन्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के उनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। इसका मतलब सारे के सारे कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो ऑलमोस्ट ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ट्रांजिशन मेटल के जो भी आयन्स हैं वो सब पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में, एक्सेप्ट फ्यू लाइक स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, टाइटेनियम 4 पॉजिटिव, Cu पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, इस तरीके के आयन्स को छोड़ के। मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ही तो पढ़े हैं, सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था ना ये सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो कि कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ये सब पढ़ाई थी मैं सॉलिड स्टेट में। तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मतलब क्या है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, मैग्नेटिक्स में पढ़ाए फिजिक्स में, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी एग्जिस्ट करेगा। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 3D सीरीज के लिए सिर्फ है, 3D सीरीज के लिए क्या है फॉर्मूला निकालने का, म्यू इज इक्वल्स टू एन, एन प्लस टू का अंडर रूट। यहाँ पे एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सपोज मेरे पास किसी की कन्फिग्रेशन थ्री डी थ्री थी मेरे पास में और कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के बताओ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 3 पुट करूँगा, 3 × 3 + 2 करोगे तो 5 आएगा, दैट मीन्स अंडर रूट 15 आएगा। और इसकी यूनिट क्या लगाते हैं हम लोग, BM स्टैंड्स फॉर बोर्स मैग्नेट्रॉन। बोर ने ये फॉर्मूला डिवाइस किया था, इसीलिए हम लोग इसे बोर्स मैग्नेट्रॉन बोल देते हैं, इसकी जो यूनिट है वो बोर्स मैग्नेट्रॉन है। नेक्स्ट चल रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पे। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जो आयनिक जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं। तो क्या उनके पास ऐसा है कि वो कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं, उसके दो रीज़न हम देख रहे हैं। पहला रीज़न है हाई चार्ज ऑन ट्रांजिशन मेटल आयन। अभी ऊपर देख के आए हम लोग कि हाई चार्ज होता है, मतलब इनके पास में हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। दूसरा रीज़न क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर अकोमोडेटिंग इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगेंड एटम्स। इनके पास में डी ऑर्बिटल खाली पड़ी हैं सबके पास में, किसी के पास में एक इलेक्ट्रॉन, किसी के पास में दो इलेक्ट्रॉन, किसी के पास में तीन चार पाँच, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हैं। पेयरिंग करने के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, हम पेयरिंग बना लें, उसके साथ पेयरिंग कर लें। तो इनके पास में साइट्स हैं, इनके पास में खाली जगह है दूसरे किसी लिगेंड एटम के इलेक्ट्रॉन्स को घर देने की, उन्हें शरण देने की अपने पास में क्षमता रखते हैं ये कि हाँ भाई हमारे घर में खाली जगह है, लाइए इलेक्ट्रॉन्स और रखिए यहाँ पे। तो इसीलिए क्या कर सकता है, जिससे भी इलेक्ट्रॉन्स लेगा अपने घर में रखवाएगा, उसके साथ में बॉन्ड बना के कॉम्प्लेक्स बना लेगा। मतलब इसके पास में डी ऑर्बिटल्स खाली हैं, इसीलिए क्या कर सकता है, दूसरे लीगेंड एटम्स, लीगेंड कौन होते हैं, जो जुड़े हुए हैं उससे बॉन्ड से, उनके इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट करा लेता है, उनको जगह दे देता है, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है। दूसरा क्या, इसके पास में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हाई रहता है बहुत इनका, तो जिसकी वजह से ये क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज़। देखा होगा आप लोगों ने कि जहाँ कहीं भी हम लोग कैटेलिस्ट यूज़ करते थे वहाँ बहुत सारी जगह जो कैटेलिस्ट वो सारे क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल होते हैं, मतलब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ऑलमोस्ट सारे। जैसे कहीं कहीं पे आपने निकल देखा होगा, कहीं कहीं पे आपने मैंगनीज देखा होगा, मैंगनीज का ऑक्साइड देखा होगा, क्रोमियम देखा होगा, ये सब देखे हैं कैटेलिस्ट के तौर पर लिखे जाते हैं। निकल तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, निकल तो ऑलमोस्ट हर किसी बच्चे ने देखा होगा, किसी न किसी रिएक्शन पर आपको लिखा मिल जाता है। तो क्या है इनके पास में ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कैटलिस्ट की तरह बिहेव कर सकते हैं, वो रीज़न समझना चाहते हैं हम। तो ये दो रीज़न हैं यहाँ पे जिसकी वजह से कैटलिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। पहला रीज़न वही है कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इनके पास में, जो अभी ऊपर बताया, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, अनस्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना सकते हैं। जब मैंने आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाई थी तो आप लोगों को याद होगा, उसके अंदर मैंने बताया था सरफेस केमिस्ट्री में कि जब एडसॉर्प्शन थ्योरी ऑफ हेटरोजीनियस कैटालिसिस वहाँ पे पढ़ाया था, तो कैटलिस्ट क्या करता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करता था, रिएक्टेंट को मिला के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना देगा और वो बड़ी जल्दी टूट के, जैसे इंटरमीडिएट बनेगा वो टूट के क्या बना देंगे, प्रोडक्ट्स बना देते थे। तो इनके पास में क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि हेल्प करता है क्या करने में, वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने में जल्द से जल्द मदद करता है, जिसकी वजह से ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। दूसरा रीज़न क्या है कि इनके पास में सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, जो कैटलिस्ट हैं उनके पास में सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। और हमने पढ़ा था कि कैटलिस्ट की सरफेस पे रिएक्टेंट पहले तो डिफ्यूज़ करते थे, अगर याद रहा हो आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री, तो रिएक्टेंट की सरफेस पे पहले कैटलिस्ट की सरफेस पे रिएक्टेंट डिफ्यूज़ करते थे, फिर कंबाइन करके इंटरमीडिएट बनाते थे
और फिर टूट के क्या बना देते थे, प्रोडक्ट्स बना देते थे। तो वही हम यहाँ पे बोलेंगे कि लार्जर सरफेस एरिया होता है इनका जो भी ये ट्रांजिशन मेटल है, जिससे क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट को अपने सरफेस पे एड्सॉर्ब करा सकते हैं और एक साइट प्रोवाइड कर सकते हैं किसके लिए, एड्सॉर्प्शन के लिए या फिर कंबाइन होकर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसीलिए क्या करते हैं, एक गुड कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो ये दोनों रीज़न इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे पूछी जा सकती है कैटलिटिक प्रॉपर्टी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो कैटलिटिक बिहेवियर वाई, तो आप ये दो रीज़न लिख के आओगे, आई होप समझ में भी आए हों सबको। नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं आज के लिए लास्ट है ये कलर। ट्रांजिशन मेटल जो है वो कंपाउंड बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, वो हमने देख लिया, और वो कंपाउंड्स कलर्ड होते हैं जनरली नेचर में। तो ये बात आप यहाँ अच्छे से समझ लीजिए तो आपको एफ ब्लॉक में भी समझने में आसानी हो जाएगी, ये सब प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है। तो एफ ब्लॉक में मैं इतना बड़ा बड़ा नहीं लिख पाऊंगा, वहाँ हम दो दो लाइन लिखेंगे और खत्म करेंगे कहानी को। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन इन सॉल्यूशन एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट आर कलर्ड। ट्रांजिशन मेटल आयन सॉल्यूशन में और सॉलिड स्टेट में दोनों में कलर्ड होते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, विजिबल लाइट का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, विजिबल लाइट का एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं। जो एब्जॉर्प्शन होता है जब विजिबल लाइट का, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को प्रमोट कर देता है, एक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरी ऑर्बिटल में जा सकता है सेम डी सबशेल की। ये बात ध्यान रखनी है आपको, सेम डी सबशेल में जाता है वो, अपनी डी सबशेल को छोड़ के किसी दूसरे के में नहीं जाएगा। जैसे मान लो 3D की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, आगे कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे T2G और EG वाली, जब पता चलेगा। तो 3D के इलेक्ट्रॉन जंप करके अपने वाले आगे वाले उसमें जा सकते हैं सेम डी सबशेल के आगे की ऑर्बिटल में। जब ऐसा कब होगा, जब वो विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, तो जब वो विजिबल लाइट एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वो इसको हम जब ये जंप करके चले जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन बोलते हैं। और DD ट्रांजिशन बोलते हैं, इन्हीं DG ट्रांजिशन की वजह से ट्रांजिशन मेटल जो है वो एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं विजिबल लाइट, और किस तरीके का देख रहे हैं, कलर्ड देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये रीज़न रहता है कलर्ड का। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्या रीज़न है, रीज़न ये था कि जो 3D ऑर्बिटल होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 3D ऑर्बिटल के, वो जंप करके सेम 3D ऑर्बिटल की शेल में जा सकते हैं। सपोज करो ये वाला इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, और जब ये ऐसा करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो ये विजिबल लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा, या आप दोनों तरीके से समझ लीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि जब विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट या कोई भी कॉम्प्लेक्स विजिबल लाइट जब भी एब्जॉर्ब कर सकता है, जब उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर रहे हों। तो इनके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करने के लिए जगह है, जंप कराने के लिए जगह है, तो ये विजिबल लाइट एब्जॉर्ब करेंगे। जिस भी लाइट, जिस भी कलर की विजिबल लाइट को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, उसी कलर को का ही आपको दिखने लगेगा। तो सिंपल सा एक रीज़न हो गया कि इनके पास में वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। ऑलमोस्ट देखा होगा आपने हर किसी प्रॉपर्टी के लिए रीज़न, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, यही लगाए जा रहे हैं। तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं जिसकी वजह से सेम डी सबशेल की ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन हो सकता है, जिसको हम लोग DD ट्रांजिशन बोलते हैं। इसी DD ट्रांजिशन की वजह से विजिबल लाइट ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं, विजिबल लाइट एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिस कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे उसी कलर की आपको दिखने लगेंगे। इसीलिए ट्रांजिशन मेटल आयंस के जो कंपाउंड होते हैं वो कलर्ड होते हैं नेचर में, ठीक है। ये हो गया आपका ख़त्म। यहाँ पे दोबारा एक बार बता देते हैं, जो PDF था उसका पासवर्ड ZERO TWO, ये पासवर्ड है उसका, आप लगा के PDF को खोल लीजिएगा। जो WhatsApp पे शेयर करी है मैंने सारे लेटर स्मॉल में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी आएंगे डी ब्लॉक की लेके, थर्ड वीडियो जिसमें आगे करेंगे कंटिन्यू हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, और ख़त्म करेंगे फिर फोर्थ वीडियो में, शायद डी ब्लॉक एलिमेंट्स ख़त्म भी हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। सब कुछ समझ में आया अच्छे तरीके से, और आगे वीडियो देखने में का इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। वीडियोज़ देख के आप लोग लाइक नहीं करते हो, अगर अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ में। नया कोई बच्चा चैनल देख वीडियो देख रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ्स, बाय बाय।